आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कोडरमा के मरकचो में महागठबंधन प्रत्याशी अमिताभ ठाकुर के पक्ष में चुनावी सभा की है। इस दौरान भाजपा पर हमलावर रुख अख्तियार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और एक इंजन अपराध को बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं। बता दें आपको, तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनेगी और भाजपा के 65 पारा नारा जो है वो फेल हो जाएगा। बता दें आपको, आरजेडी नेता ने कहा कि भाजपा ने उनके पिता को जेल भेजकर और परिवार के सभी सदस्यों पर केस लादकर डराने की कोशिश की है, लेकिन इससे राजद और लालू यादव का परिवार बिखरने की जगह और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। तेजस्वी यादव ने अपील करते हुए कहा कि कोडरमा राजद का गढ़ रहा है, ऐसे में यहाँ की जनता एक बार फिर राजद के साथ खड़ी होगी और राज्य में महागठबंधन की सरकार बनाने में सहयोग भी करेगी। सभा में बिहार के कई आरजेडी विधायक भी मौजूद रहे। कोडरमा में 12 दिसंबर को तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। बता दें आपको, गुरुवार को झारखंड में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। वहीं दोपहर 3 बजे तक प्रचार भी चला है। दूसरे चरण में जमशेदपुर खूंटी समेत 20 विधानसभा क्षेत्रों में 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें सीएम रघुवर दास, पूर्व मंत्री सरयू राय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गुलवा, मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, स्पीकर दिनेश उरांत शामिल भी है। इस चरण में 231 पुरुष और 29 महिला प्रत्याशी किस्मत आजमा रही हैं। कुल 5784 बूथों में से 1844 को अति संवेदनशील भी माना गया है। एलडी न्यूज रूम से लकी की रिपोर्ट।